नन वाली बावड़ी में शराब ठेकेदार यूनियन ने किया प्रदर्शन। शराब ठेकेदार यूनियन के तत्वाधान में सोमवार को नन वाली बावड़ी स्थित गोदाम के मुख्य द्वार के सामने अपनी मांगों को समर्थन में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर यूनियन के जयपुर संभाग अध्यक्ष सुदेश डाका, जिला उपाध्यक्ष तिरंजलाल चौधरी, तहसील अध्यक्ष दुड़ाराम अमीलाल, डॉक्टर सुभाष ने बताया कि ठेकेदार संपूर्ण राजस्थान में अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ठेकेदार कर्जी माफी हो गई, अगर यदि मांग नहीं पूरी हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। पिछले चार महीने से आंदोलन भी कर लिया, धरना भी दे दिया, जयपुर मतलब संभाग स्तर पर भी प्रदर्शन कर लिया हमने, पूरे राजस्थान में ठेकेदारों ने इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर लिया, लेकिन सरकार ने आज तक जूं तक नहीं रंगी है। सरकार को हम भी सबक सिखाएंगे कैसे ठेकेदारों का विरोध किया जाता है। ठेकेदार कब ताकत नहीं है, लेकिन आज पूरे राजस्थान में गोदामों पर और जिला मुख्यालयों पर सब पर गहलोत के और आबकारी मंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं, और हम आगे की रणनीति विचार करके विचार करेंगे। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ठेकेदार फिर भारी कर्ज में डूब गए हैं, एक एक ठेकेदार के 50-50 लाख रुपए बकाया है, जो आज कितने आज राजस्थान में कम से कम भी 1200 करोड़ रुपये बकाया होंगे ठेकेदारों की तरफ। ठेकेदार जमीन बेच के देंगे, घर बेच के देंगे तो भी पूर्ति नहीं होगी, लेकिन सरकार ठेकेदारों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत यही है।